दोस्तों, बॉलीवुड की लड़ाई में आप किसके साथ हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको बता दें कि ड्रग विवाद पर जो जुबानी जंग रवि किशन और जया बच्चन के बीच शुरू हुई थी, उसमें वह एक्ट्रेस कंगना रनौत भी कूद गई हैं। उन्होंने जया बच्चन के बयान को आड़े हाथों लेते हुए उन्हीं पर कई तरह के सवाल डाल दिए हैं। जया ने क्योंकि रवि किशन पर जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाला आरोप लगाया था, अब उसी आरोप पर कंगना रनौत ने जया बच्चन को आईना दिखाया है। कंगना ने ट्वीट कर जया को बताया है कि इस इंडस्ट्री में दो तरह की थाली देखने को मिलती हैं। एक थाली में तो सिर्फ एक्ट्रेस और को आइटम नंबर मिलते हैं, वहीं दूसरी थाली वो है जहां पर नारी प्रधान और देश प्रेम फिल्में बनाई गई हैं। वो लिखती हैं, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देश भक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई, ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। अब कंगना का ये कहना है कि एक नए विवाद को जन्म दे सकता है। उन्होंने फिर इशारों में ये बात कह दी है कि कई बार फिल्मों में काम करने के लिए कई एक्ट्रेस को कलाकारों के संग सोना पड़ता है। एक्ट्रेस के इस बयान पर बॉलीवुड कैसे रिएक्ट करता है ये देखने वाली बात होगी। वैसे इससे पहले भी कंगना ने जया बच्चन के बयान पर निशाना साधा था। उन्होंने विवाद में अभिषेक बच्चन को घसीटते हुए कहा था कि जया जी, आप तब भी वही बात कहेंगी अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा जाता, ड्रग दिया जाता और छेड़छाड़ की जाती, क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायत करता और एक दिन फांसी पर लटका मिले, हमारे लिए भी करुणा से हाथ जोड़कर दिखाएं। वहीं रवि किशन अभी अपने बयान पर कायम है और जया बच्चन को लगातार सफाई पेश कर रहे हैं। उनके मुताबिक जिस भी थाली में जहर है उसमें छेद जरूर किया जाएगा। वो बॉलीवुड से ड्रग्स को खत्म करने की बात कह रहे हैं।